बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए वज़ीरे ख़ज़ाना शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल इतमाद का इज़हार किया है। तफसील के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीरे ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़रा का कहना है कि इस मुलाकात में महरे मुआशियात मालियाती अमूर के माहरीन, वफाकी वज़ीरे अमाद अज़हर और हुकूमती जमात के सोशल मीडिया अरकान भी मौजूद थे। मुलाकात दो रोज़ पहले वज़ीरे आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में शरीक अफराद ने शौकत तरीन से मुआशी प्लान से मुतलक सवालात किए और एक टेलीविजन इंटरव्यू में हुकूमत की मुआशी सूरतेहाल पर किए गए तबसरे पर सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए शौकत तरीन का कहना था कि टीवी इंटरव्यू में कही गई बातें सिर्फ मौजूदा हुकूमत से मुतलक नहीं, काम दौरानिए के प्रोग्राम में मुआशी सूरतेहाल की मुकम्मल तफसील नहीं बताई जा सकी। उन्होंने दावा किया कि मुआशी सूरतेहाल पर गुफ्तगू में माजी की हुकूमतों की जानब इशारा किया था। वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल इतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मैं उन्हें 35 सालों से जानता हूँ। ये शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का भी हिस्सा रहे। मुआशी मामलों में मजीद इस काम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना था कि 49 साल मुआशी तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि मुआशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। इस मौके पर शौकत तरीन से एक और अहम सवाल करते हुए पूछा गया कि क्या गवर्नर स्टेट बैंक को तब्दील किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि रज़ा बाकर ने बेहतरीन इसलाहती काम किया, उनकी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। हमारे न्यूज़ चैनल SAT TV को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें।